जब से हमने पहली बार 1940 के दशक में अंतरिक्ष में एक कैमरा लॉन्च किया था, तब से लेकर हम सौरमंडल के ग्रहों, चंद्रमा, धूमकेतु और एस्ट्रॉइड्स की लाखों तस्वीरें ले चुके हैं। पृथ्वी के दानेदार ब्लैक एंड व्हाइट कर्वेचर की तस्वीरों से लेकर दूर बर्फीली दुनिया, प्लूटो की शानदार हाई रेजोल्यूशन रंगीन तस्वीरों तक हम इस अकल्पनीय सोलर सिस्टम को देख पाए हैं। इस वीडियो में दिखाई गई तस्वीरें वास्तविक हैं, हालांकि कुछ तस्वीरों को नेचुरल कलर्स में दिखाने के लिए एनहेंस्ड किया गया है या एक अलग वेवलेंथ फिल्टर का उपयोग करके कैप्चर्ड किया गया है। केवल कुछ ही चुनिंदा लोगों ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को पहली बार देखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसे अपनी सारी महिमा में नहीं देख सकते। करीब 70 सालों से मौसम के गुब्बारे, उपग्रह और अंततः अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की हजारों अविश्वसनीय तस्वीरों को कैप्चर कर रहे हैं और इसकी सुंदरता को उजागर कर रहे हैं। इस तस्वीर में पृथ्वी का सूर्य के प्रकाश से भरा हिस्सा दिखाई दे रहा है, जिसे नासा के एपिक कैमरे द्वारा कैप्चर किया गया है, जो नोवा के डिस्कोर उपग्रह से जुड़ा हुआ है। एपिक कैमरा नेचुरल कलर्स में करीब 1,00,000 मील की दूरी से कम हर 2 घंटे में पृथ्वी की एक तस्वीर खींचता है और पृथ्वी पर वापस भेजता है, जिससे हमें पृथ्वी का निरीक्षण करने में मदद मिलती है। 2016 में नासा ने पृथ्वी की लगभग 3,000 से अधिक इन शानदार और अविश्वसनीय तस्वीरों को एक सीक्वेंस में इकट्ठा किया, जो पृथ्वी पर बीतते हुए एक साल को दिखाती है। हम यहाँ सफेद बादलों की बदलती गति को भी देख सकते हैं, जो पृथ्वी के रेगिस्तानों, जंगलों और विशाल नीले महासागरों को ढके हुए हैं। ये है हमारा ग्रह पृथ्वी अपने पूर्ण वैभव में। 20वीं शताब्दी के मध्य तक हमारे पड़ोसी ग्रह वीनस को पृथ्वी की समान सतह की स्थिति का माना जाता था, लेकिन जब सोवियत यूनियन ने घने बादलों से घिरे इस ग्रह की सतह पर जांच करने के लिए अपना अंतरिक्ष यान वेनेरा प्रोब भेजा, तब हमें एक झलक मिली कि इसकी सतह वास्तव में कैसी है। ये ग्रह चकनाचूर कर देने वाले दबाव और भयानक तापमान से भरा एक नर्क था। यह अद्भुत तस्वीर 1982 में सोवियत अंतरिक्ष यान वेनेरा 13 द्वारा ली गई थी और ये तस्वीर वीनस ग्रह की सतह से ली गई पहली रंगीन तस्वीरों में से एक है। इस अंतरिक्ष यान को तपती गर्मी और तीव्र वायुमंडलीय दबाव से जूझते हुए जांच करने के लिए लगभग आधे घंटे तक चलने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अंतरिक्ष यान ने लैंडिंग के बाद 2 घंटे से अधिक समय तक डेटा ट्रांसमिट किया। हालांकि ये तस्वीरें देखने में उतनी आश्चर्यजनक नहीं हैं, जितने की हमने उदाहरण के लिए मंगल ग्रह की सतह से देखी हैं। लेकिन जब हम पर्यावरण की स्थिति के बारे में सोचते हैं जो वेनेरा प्रोब को जांच करते हुए झेलनी पड़ी, तो अचानक इन तस्वीरों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। करीब 10 वर्षों से नासा के सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी सूरज का अवलोकन कर रही है और सैकड़ों लाखों हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों को कैप्चर कर चुकी है और कर रही है। ये सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी पृथ्वी की कक्षा से हर 10 सेकंड में 10 अलग अलग वेवलेंथ की एक नई तस्वीर कैप्चर करती है, जिससे हमें अपने सबसे करीबी तारे को करीब से देखने का मौका मिलता है, जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। यह टाइम लैप्स नासा की सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा कैप्चर किया गया है, जिसमें एक शक्तिशाली सोलर फ्लेयर पैदा हो रही है और एक चमकदार चुंबकीय प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, जिसे कोरोनल वर्षा के रूप में जाना जाता है। ये फुटेज हजारों तस्वीरों से मिलकर बनाई गई है और हर एक सेकंड वास्तविक समय में लगभग 6 मिनट के बराबर है। इस शक्तिशाली सौर तूफान के स्केल को समझने के लिए कि ये कितना बड़ा है, आप इसके सामने पृथ्वी के आकार को देख सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ये घटना वास्तव में कितनी बड़ी और भयानक थी। अगस्त 2014 में एक रहस्यमय धूमकेतु 67P च्यूरियोमोव गैरेसिमेन को मानव इतिहास का एक हिस्सा बन गया। ये पहला ऐसा धूमकेतु है जिसकी सतह पर मानव निर्मित अंतरिक्ष यान लैंड हुआ है। अंतरिक्ष यान जिसने इस अविश्वसनीय मुलाकात को हासिल किया वह था यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का रोसेटा स्पेसक्राफ्ट और द ऑनबोर्ड लैंडिंग प्रोब फिले। इस शानदार अविश्वसनीय मिशन से पहले किसी को भी नहीं पता था कि धूमकेतु कैसा दिखता है, लेकिन अब हम इस रहस्यमय धूमकेतु की हजारों तस्वीरों का विश्लेषण कर सकते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर तब ली गई थी जब 67P च्यूरियोमोव गैरेसिमेन को सूरज के पास आ रहा था।
इस तस्वीर में इसकी सतह से जमी हुई धूल और गैस के कणों की आतिशबाजी की तरह बर्फ का एक जेट इंजन की तरह एक विस्फोट दिखाई दे रहा है। हमें एक छोटा लेकिन शानदार क्लोजअप टाइम लैप्स भी देखने को मिला जो धूमकेतु की सतह को प्रकट करता है। इसमें एक बर्फीला घूमता हुआ वातावरण दिखाई दे रहा है जो सूर्य द्वारा प्रकाशित हो रहा है और बैकग्राउंड में उज्जवल सितारों के साथ धूमकेतु घूमता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस टाइम लैप्स में प्रोब सतह से लगभग 13 मील दूर है और लगभग 25 मिनट के टाइम पीरियड को कवर करता है। निश्चित रूप से विशालकाय बृहस्पति सौरमंडल में सबसे शानदार ग्रहों में से एक है और बीते वर्षों में कई स्पेसक्राफ्ट इसका दौरा कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी नासा के जूनो अंतरिक्ष यान की तरह इसकी प्रखर सुंदरता को कैप्चर नहीं किया है। जूनो ने बृहस्पति की अनगिनत लुभावनी तस्वीरें प्रसारित की हैं, जो शोधकर्ताओं और अंतरिक्ष के उत्साही लोगों को इस विशाल ग्रह पर एक अभूतपूर्व नजदीकी नजर प्रदान करती है। इसके कॉम्प्लेक्स क्लाउड फॉर्मेशन का खुलासा करती है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। यद्यपि हम बृहस्पति ग्रह के इनहेंस कलर्स को देखने के आदि हैं, जैसे चमकदार नीले, सफेद और नारंगी रंग में, जो हमें बृहस्पति ग्रह के आश्चर्यजनक डिटेल्स दिखाता है, लेकिन असल में इस विशाल ग्रह के रंग बहुत हल्के हैं, जैसा कि हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम अभी भी कॉफी में क्रीम की तरह घूमते हुए अव्यवस्थित और शानदार बादलों के बैंड को देख सकते हैं। शनि ग्रह की परिक्रमा करता हुआ सोलर सिस्टम का सबसे अजीब चंद्रमा एक छोटा सा बर्फीला चांद एनसेलेडस। इस रहस्यमय चांद की तस्वीर अतीत में एक गुजरते हुए अंतरिक्ष यान ने ली थी, लेकिन इस चांद की रहस्यमय सतह के बारे में हमें तब पता चला जब कैसिनी ने शनि ग्रह का दौरा किया। इस चांद की सतह जमी हुई थी। इस तस्वीर को अगस्त 2015 में लिया गया था, जिसमें एनसेलेडस नाटकीय रूप से शनि ग्रह की रिंग्स के हिस्से से गुजरते हुए दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में हम चंद्रमा के भूभाग के बीच के कॉन्ट्रास्ट को भी देख सकते हैं। एक हिस्सा गहरे प्राचीन प्रभाव वाले क्रेटर से ढका हुआ है, जबकि दूसरी तरफ की सतह काफी चिकनी है। ये दर्शाता है कि एक प्रक्रिया चल रही है जो क्रेटर्स को खत्म कर रही है, लेकिन ये चिकनी जवान सतह बिना दागों की नहीं है। यह उत्तर की ओर एक बहुत बड़ा फ्रैक्चर है, जो इस ओर इशारा कर रहा है कि एनसेलेडस भौगोलिक रूप से कितना सक्रिय है। यह अविश्वसनीय टाइम लैप सीक्वेंस 14 घंटे की समय अवधि में सेट किया गया है, जो अंतरिक्ष में बर्फीले सक्रिय चंद्रमा को दर्शाता है, जिससे यह पुष्टि होती है कि एनसेलेडस की सतह के नीचे विशाल महासागर छिपा होगा। यद्यपि हमारे सौरमंडल की लाखों तस्वीरों तक पहुंच है, लेकिन अभी तक हम वास्तव में इसका एक ही अंश खोज पाए हैं। हमारे सौरमंडल में विजिट करने के लिए बहुत सी जगह हैं, जहां खोजबीन करके बहुत से रहस्यों से पर्दा उठाया जा सकता है, लेकिन हमने जो तस्वीरें इकट्ठी की हैं, वे निश्चित रूप से इस बात की याद दिलाती हैं कि हम पहले से कितनी दूर आ चुके हैं, परंतु हमें और कितनी दूर जाने की जरूरत है। जाते जाते कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा।